जहां एक तरफ सिद्धार्थनाथ सिंह, महेंद्र सिंह, श्रीकांत शर्मा जैसे विधायकों को आउट कर दिया गया, वहीं अनिल राजभर को एक बार फिर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। अनिल राजभर ने वाराणसी की शिवपुर सीट से जीत हासिल की है। अनिल राजभर ने न सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराया, बल्कि राजभर समाज का नेता होने का दम भर रहे सुभा सपा प्रमुख की उम्मीदों को धराशाही किया है। अनिल राजभर वाराणसी से सटी चंदौली के नागेपुर जिले के मूल निवासी हैं। तकनीकी रूप से शिवपुर विधानसभा सीट भले ही वाराणसी जिले में स्थित है, लेकिन यह चंदौली लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। अनिल राजभर ने अरविंद राजभर को 27,687 वोट के भारी अंतर से हराकर जीत हासिल की। अनिल राजभर को करीब 1,15,000 वोट मिले, अरविंद राजभर 88,000 वोट ही हासिल कर सके। शिवपुर विधानसभा पहले चिरई गांव विधानसभा सीट हुआ करती थी। 2008 के परिसीमन के बाद यह बदलाव हुआ। इस सीट पर मुख्यतः बसपा और भाजपा का दबदबा रहा है। अनिल राजभर ने चंदौली के सकल डीहा पीजी कॉलेज से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। वो इस कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। उनके पिता बीजेपी विधायक रहे। पिता के देहांत के बाद उन्होंने चिरई गांव से उपचुनाव लड़ा था, हालांकि जीत नहीं पाए। फिर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। शिवपुर सीट का मुकाबला इसलिए दिलचस्प था क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल थे। ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त करने के बाद उनका पोर्टफोलियो अनिल राजभर को दे दिया गया था। चुनाव से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर ने अनिल राजभर को चुनौती दी थी। बीजेपी ने अनिल राजभर को राजभर समाज के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की और जीत के साथ उसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को अनिल राजभर के सामने उतारकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया था। यहाँ पर असली मुद्दा यही था कि राजभर समाज का असली नेता कौन है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।